बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेस में। हम कर रहे थे डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन में मैं आज आपको अगला टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ, जब बैलेंस शीट नहीं दे रखी, व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। तो भाई हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी क्वेश्चन को करने से पहले। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, पहले फॉर्मेट बनाइए बैलेंस शीट का, लाइबिलिटी साइड असेट साइड। फिर जो भी लाइबिलिटी है वो आप लाइबिलिटी साइड में डालिए, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, अगर प्रॉफिट दे रखा तो उसे ऐड करिए कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसे भी ऐड करिए, ड्राइंग है तो माइनस करिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उसे भी माइनस करके लिखिए। फिर इसका टोटल कर लो, असेट और लाइबिलिटी साइड बराबर ही होती हैं। तो अगर इधर कुछ नहीं दे रखा तो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएंगी सन्ड्री असेट्स। कभी कभी कैश दे रखा होता है तो कैश हटा के बाकी की सन्ड्री असेट बचेंगी, और कभी कभी असेट भी दे रखी होती हैं तो असेट आप जो दे रखे हैं वो लिख देना, फिर भी बैलेंस अगर आ रहा है इधर की तरफ तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस बैलेंस आ जाएगा, इसका आप टोटल कर देंगे, ये आपकी बैलेंस शीट बनेगी। उसके बाद क्वेश्चन पहले की तरह ही होगा, देखिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से। डी के गोयल की बुक का इलस्ट्रेशन 18 है, देखिए ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 60% 40%, आप इसे 6 और 4 भी कह सकते हैं। दे डिसाइडेड डिजॉल्व द फर्म 31 मार्च 2021, ऑन विच डेट सम ऑफ द बैलेंस एज फॉलो। ये बैलेंस दे रखे हैं भाई, ए की कैपिटल है, लाइबिलिटी साइड में डाल दीजिए, बी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस हमारा असेट साइड में जाता है, ये डाल दिया हमने असेट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस का भी डेबिट बैलेंस है, इसे भी आप असेट साइड में डालिए, और ट्रेड क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में, लोन फ्रॉम मिसेज ए लाइबिलिटी साइड में, कैश एट बैंक दे रखा 15,000, उसे असेट साइड में डाल दो। बस इतना ही फिगर से अब जो आया वो सन्ड्री असेट है 2,30,000। उसके बाद देखिए अब बनाए रियलाइजेशन, जो ये सन्ड्री असेट आई हैं इनको डेबिट में ट्रांसफ़र करो रियलाइजेशन अकाउंट के, और जो ट्रेड क्रेडिटर और मिसेज ए का लोन है उसको आपने क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब पढ़ते हैं आगे, द असेट अदर देन कैश एट बैंक रियलाइज 1,90,000, असेट से मिलता है 1,90,000, तो इसे आप बाय बैंक में असेट लाइज के नाम से लिख दो, मतलब कि असेट को बेचकर इतना आया है। ऑल क्रेडिटर वर पेड ऑफ 5% डिस्काउंट, ऑल क्रेडिटर का मतलब होता है जितनी भी बाहर की देनदारियां हैं जो बाहर देना है, तो बाहर इसमें से हमें क्या क्या देना है, क्रेडिटर देने और मिसेज ए का लोन देना है, तो इन दोनों पे 5% डिस्काउंट लगेगा, दोनों में से 5% लेस कर करके यहाँ लिख दिए टू बैंक के नाम से, तो लोन में आ गया, लोन है 20,000 का, 5% कम करके 19 का हो गया, और क्रेडिट रहे हमारे 40,000 के, 5% कम करके 38,000 के हो गए। रियलाइजेशन के एक्सपेंस होते हैं 4,000, वो भी टू बैंक के नाम से हो गए। टोटल किया, बैलेंसिंग फिगर से लॉस आया, इसे आपने 60% 40% करके रेशो में बांट लिया। अब देखिए कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल आपकी लाइबिलिटी साइड में दे रखी है 2,40,000, वो ले ली, लेकिन बी की जो कैपिटल है वो असेट साइड की है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आएगा। रियलाइजेशन में हमारा लॉस आया, टू रियलाइजेशन के नाम से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस का भी असेट साइड का बैलेंस यानी लॉस था, ये टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आ गया। टोटल किया, बैलेंसिंग फिगर से जो बैलेंस आते हैं उनको टू बैंक या इधर को आया तो बाय बैंक लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए एंड बी वर पार्टनर इन फर्म, कैपिटल 60,000 40,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 का है, दे कैरिड बिजनेस 2 ईयर। अब इसमें अलग क्या, अलग बात क्या है कि ये 2 साल से बिजनेस को चला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट 50,000 हुआ पहले साल में और दूसरे साल में इनको लॉस हो गया 20,000 का, बिजनेस वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, दे डिसाइडेड टू वाइंड। अब इस बिजनेस से इनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो इसे बंद करना चाहते हैं। क्रेडिटर ऑन दैट डेट 20,000, पार्टनर विड डू 8,000 ईच पर ईयर फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंस। हर एक पार्टनर ने हर साल 8,000 रुपये निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, यानी कि ये ड्राइंग है। असेट से रिलाइज हुआ 1 लाख, एक्सपेंस हुए 3,000 के। आपको रिलाइजेशन अकाउंट बनाना है, लेकिन इसमें एक अलग बात ये थी कि ये 2 साल पहले बिजनेस शुरू हुआ था और उससे रिलेटेड अकाउंट के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पहले हमें 2 साल का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2020 को। तो देखिए, ये आपने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया, डेट पर्टिकुलर, पार्टनर्स के नाम ए बी, ऐसे ही क्रेडिट साइड में।
तो 2 साल पहले बिजनेस शुरू किया था। जब बिजनेस शुरू करते हैं तो कैपिटल को क्या लिखते हैं, बाय बैंक या कैश। तो बाय बैंक के नाम से आपने 60,000, 40,000 लिख दिया। पहले साल में प्रॉफिट हुआ था 50,000 का, उसे बांट दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के नाम से। ड्रॉइंग डेबिट में आती हैं, दोनों ने 8,000 निकाला। तो 2021 यानी मार्च 2021 की कैपिटल हो गई हमारी 82,000 और 52,000। लेकिन अब हमें 1 साल को और बनाना है क्योंकि 2 साल बाद बिजनेस बंद हुआ है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आगे ले जाओ क्लोज करके, और ये जो 2021 में बैलेंस आए हैं इनको 1 अप्रैल 2021 को ले आओ बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ड्राइंग इस साल भी 8,000 है, लेकिन इस साल प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ था तो आपने लॉस बांट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। बैलेंसिंग फिगर से ये बैलेंस आ गया, अब हमारे 2 साल के अकाउंट बन गए। अब हमारी बैलेंस शीट बनेगी, ये वाली कैपिटल हमें बैलेंस शीट में डालनी है जो अब आई है। तो डालिए, क्रेडिटर 20,000 की तरह के वो डाल दिए, और कैपिटल के नाम पे ये 62,000 और 36,000 डाल दो और टोटल कर दीजिए। बैलेंसिंग फिगर से आ जाएंगी संडे सेट्स, उसके बाद क्वेश्चन पहले की तरह ही आपका स्टार्ट होगा। इसी टॉपिक पे जब बैलेंस शीट नहीं दे रखी, देखिए ये वाला 16B है, इसमें एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, बुक्स ऑफ फर्म प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 1 अप्रैल 2018। असेट से रिलाइज दे रखा है, यानी कि जो रिलाइजेशन में आना है वो दे रखा है, ना कि बुक वैल्यू। क्रेडिटर की पेमेंट 4750 दे रखी है आफ्टर डिडक्टिंग 5%, ये 5% कम है। रिजर्व दे रखा है, कैपिटल है एक्स और वाई की, बैंक का लोन है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। देखिए क्रेडिटर का जो दे रखा है 4,750 रुपये, वो 5% कम करके, इट मीन्स ये 95% है। तो मैंने जैसे कि आपको बार बार वीडियोज में बता रखा है कि जितने परसेंट दे रखा होता है उससे डिवाइड करते हैं, और इनटू हमेशा ही 100 से करते हैं हमें जब 100% निकालना होता है। तो 4750 upon 95 into 100, यानी कि ये क्रेडिटर 5000 के हैं। तो ये क्रेडिटर की आपने पूरी वैल्यू निकाल के लिख दी, बैंक लोन लाइबिलिटी साइड में लिख दिया, रिजर्व भी लाइबिलिटी साइड का आइटम होता है, और एक्स और वाई की कैपिटल भी लाइबिलिटी साइड की है। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है तो ये असेट साइड में डाल दिया। बैलेंसिंग फिगर से सन्ड्री असेट निकल के आ गई, मतलब असेट्स की बुक वैल्यू निकल के आ गई। अब बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। असेट को आपने रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र कर दिया टू सन्ड्री असेट्स के नाम से। लाइबिलिटी आपने क्रेडिटर 5000 के और बैंक लोन 5000 का क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दिए। असेट से कितना रिलाइज हुआ था 3 लाख, तो ये बाय बैंक में डाल दिया। और क्रेडिटर की पेमेंट बताई रखी थी कि 4750 रुपीज़ किया, वो टू बैंक के नाम से पेमेंट कर दो। लोन के बारे में इंफॉर्मेशन है तो अपनी तरफ से हम फुल पेमेंट कर देंगे, 5000 की आपने पेमेंट कर दी। तो बैलेंसिंग फिगर से आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट को आपने बांट दिया रेशो में। बस यहीं तक पूछा था ये क्वेश्चन, आगे इस पे कुछ और पूछा होता तो वो कर देते, लेकिन इसमें इतना ही पूछा है। इसको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।